तो जब आप कहते हैं कि आपने माफियाज के खिलाफ बोला तो आपका इशारा सिंध गवर्नमेंट की तरफ होता है? मेरा इदारा उन इदारों की तरफ होता है जिन्होंने मुझ पर केसेस किए हैं। थक गए आप, बीच में किसी एक स्टेज आता है बंदा मायूस, टारगेट है, हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उस लाइन में थकना वकना कुछ नहीं होता, उस लाइन में आप टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े डोनर जिस वाले पैसे नहीं देते, क्या आप लिख के लगाइए कि फला यहां दाखिल नहीं होगा। अभी तक आपने जितना काम किया उसमें आपको अभी तक की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है, क्या चीज है? बहुत ये अचीवमेंट ही तो है कि हमारी जैसे एक बच्चा रातों रोटी खा के सो जाए घर में, इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम दे दिया, आपका शुक्रिया। जफर भाई, 2016 में हेरल्ड ने एक स्टोरी की थी, उसमें कहा था कि पाकिस्तान में 1 लाख से 1.5 लाख एनजीओज हैं, और अब तो 2022 आ गया और रिसेंटली आपने बताया कि पाकिस्तान में 30,000+ एनजीओज कराची में काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि एनजीओज बढ़ती जाती हैं लेकिन मसाइल वैसे के वैसे ही महसूस होते रहते हैं? देखें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ इस फील्ड में, मैंने तो ईदी साहब को फॉलो कर रहा हूँ और उनके काम को, उनकी फैमिली के काम को, और जिस तरह ईदी फाउंडेशन काम करता है, तो जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें पता चला कि ये तो इनको फॉलो करने के नतीजे में तो बहुत लोड आप पे आ जाता है, कि जब आप कहते हैं कि नहीं जी मैं किसी एक ज़बान बोलने वाले का, किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक मसलक, किसी एक मज़हब का मसला हल नहीं करूँगा, बाकी तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं सबका हल करूँगा, मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान जो भी इंसान मुश्किल में आ जाए हमारे दरवाजे पे हम कोशिश करेंगे उसका मसला हल करें। तो फिर आपके पास एक अगर आपकी कोई अचीवमेंट जा रही है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, तो वो उसके बदले में बहुत सारे डोनर नहीं दे रही, हज़ारों लाखों केसेस दे रही है, लोगों की उम्मीदें दे रही है आपको। वो ऐसे कौन से मसाइल हैं जफर, आप पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर हम कराची की बात कर लेते, कहते हैं ना कुएं में से अगर कुएं के अंदर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, आप भले कितना पानी बाहर निकाल के फेंक दो कुएं के पानी में से बदबू नहीं जाएगी, ठीक है, आप कराची को रोजगार दे दें बस, कराची ये मसला है आपकी नज़र में? मसला है सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला है, आप समझिए ना, जब किसी के घर में देखें लोग तरक्की करते हैं सालों में, कि भाई हम पहले एक झुग्गी में रहते थे, तुम्हारे दादा परदादा जब पाकिस्तान आए, फिर उसके बाद हमने एक कमरे का घर बनाया, फिर हम वहाँ से शिफ्ट हुए दूसरे इलाके में आए, हमने एक 3 कमरों का घर ले लिया, फिर हमने एक 2 मंजिला घर बना लिया, उसी घर को तरक्की हो रही है ना, लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं, ये क्या हो रहा है कि नाजमाबाद वाला घर छोड़ के शिफ्ट हो रहा है नई कराची, वहां से जा रहा है सरजानी, वहां से खुदा की बस्ती, क्यों बेटा? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 55,000 रुपए रेंट, अच्छा अब इस इलाके में हम 25,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, अब इस इलाके में बेटा 12,000 रुपए पे एक कमरे का घर ले लिया सरजानी में, क्यों? क्योंकि उस माँ ने, उस बाप ने अपने बच्चों पर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी कि हम नाजमाबाद में रहते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, हम गुलशन इकबाल में रहते हैं, हम फेडरल एरिया में रहते हैं, हम नई कराची में रहते हैं, हम नॉर्थ कराची में रहते हैं, हम सरजानी में रहते हैं, हमने अपनी सब जमा पूंजी लगा दी, अब हमारा बच्चा मास्टर्स कर लिया और ये अब नौकरी करेगा और हमें हमारे अच्छे हालात आएंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, अपनी बहन को रुख्सत करेगा, खुद अपने पांव पे खड़ा होगा, घर की एक और छत डल जाएगी, अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे मजीद बेहतर। जब वो बाहर निकला पढ़ के बताया जी आपके डोमिसाइल पे तो कराची लिखा हुआ है, यहाँ तो कोटा सिस्टम है, आपको नौकरी मिलेगी नहीं सरकारी, प्राइवेट कोविड के बाद से आपके सामने पोजीशन है, तो कोविड से पहले कौन सी अच्छी पोजीशन थी? मतलब कि अगर कोई मास्टर्स करके लड़का जा रहा है उसको कुछ दे देता था 50,000 रुपए की नौकरी, 23,000-24,000। मेरे ख्याल में अब एक्सक्यूज कोविड ने दे दिया, मसाइल तो वैसे ही हैं। मसाइल तो बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मसाइल इतने खराब हो गए हैं कि अगर इसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं हुई, इसको फौरी तौर पे नहीं रोका गया, तो ये तो अभी फिर ये छोटी मोटी बातें करते हैं कि दिन में 3,000 शिकायतें दर्ज हुई मोबाइल छीनने की और 2,000 बाइकें छिन गई, कौन दर्ज कराता है भाई? हमारे मोबाइल छिने, हमने तो दर्ज नहीं कराई, किसको दर्ज कराएं, क्या बताएं, कौन डब्बा पैक मोबाइल खरीद रहा होता है भाई? हम तो मार्केट जाते हैं यार मोबाइल देना भाई, उसने मोबाइल दे दिया, ले आए। आपने रोज़गार की और ख़ुद मुख्तारी की बात की कि रोज़गार आना चाहिए, ये जितनी एनजीओज हैं, अच्छा इसमें एक बहरहाल एतराज़ मौजूद है जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एक चीज़, ये जो दस्तखान वाला सिलसिला है आप चला रहे हैं, बेशुमार एनजीओज चला रही हैं, इसमें एक ऐसा पोर्शन भी है, ये सुन्नत का काम है बिल्कुल खाना खिलाना, लेकिन इससे जो हड हरामी वाला फैक्टर भी है, ये एतराज़ बहरहाल मौजूद है कि एक हड हराम टाइप के लोग भी हैं जिन्होंने काम बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसे लोग मैंने भी देखे हैं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, इस बात को भी मैं मानता हूं, लेकिन क्या ऐसा कोई सिलसिला बन सकता है कि ऐसे लोगों को फ़िल्टर आउट किया जा सके जो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम के दस्तखान उन्होंने फ़िल्टर आउट किए हुए कि सुबह यहाँ मिल जाएगा, दोपहर यहाँ, रात यहाँ, काम करना ही नहीं है, ऐसे लोग फ़िल्टर आउट हो सकते हैं? मैं आपको 500 लोग दे रहा हूँ, कितने?
500 ग्रेजुएट, जाहिल नहीं, ना मैट्रिक पास ना इंटर पास, लगा दें सुबह से काम करूंगा। लोग मुश्किल ऐसा भी सवाल का जवाब दें, देखें 500 जाहिल नहीं दूंगा, आईटी इंजीनियर दे दूं। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये अच्छा काम है जो जरूरत भी है, लेकिन ऐसे भी नहीं दिहाड़ी, जो दिहाड़ीदार थे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको 1000 आईटी इंजीनियर दे देता हूं, अभी ग्रेजुएट करके निकले, उनकी माओ ने सेमेस्टर के 75,000 रुपए भरे, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी यही पैसा ले रही है, 3-3 साल तक भरे, नौकरी लगवा दें, नहीं तो आप बता दें घर का रेंट कैसे दिया जाएगा, बिजली गैस का बिल कैसे दिया जाएगा, सड़कें लाख टूटी हुई हो, 500-500 रुपए के जो चालान कट रहे हैं, ये पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? मत दें खाना किसी को, बंद करें खाना वाना। नहीं, खाना बंद नहीं होना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको 10,000 लड़के दे देता हूँ। आप एक फिगर तो बोले, आप बोले जफर साहब आप मुझे 10,000 ग्रेजुएट लड़का दे रहे हैं मास्टर्स, 10% की नौकरी में लगवा देता हूं, ताकि 10% की हड़हरामी छोड़ दें, जो अपने घर अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं, बंद करें। आप ये बोले, छोड़े उन हड़हराम को जो खा रहे हैं खाना, हमें टेंशन नहीं, हमारा डोनर कह रहा है दो, हमें भी टेंशन नहीं, लेकिन उनका तो हल बताएं जो सुबह निकलते हैं 7 बजे, सर पकड़ के बैठे होते हैं, सारे अखबार खरीदते हैं, देखते हैं, हर ऑफिस का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, दोस्तों के पास बहाने से उनके दफ्तर जाते हैं कि किसी क्लर्क की नौकरी दिलवा दो यार, चपरासी की दिलवा दो, 17,000 दे देंगे, 18,000 दे देंगे, क्यों? कहते हैं आधा रेंट तो पे हो जाएगा घर का, बाप तो आने दे रहा है, माँ तो आने दे रही है, बहन के बालों में सफेदी आ रही है, शादी नहीं करनी बहन की, कैसे होगी आप बताओ, तरीका बता। देखें, और एक और बात मैं आपको बता दूं, JDC के दस्तरखान वो वाले हैं ही नहीं कि 3 टेबल 12 कुर्सी, 6 टेबल 18 कुर्सी या 100 टेबल और 400 कुर्सी, नहीं, हर दस्तरखान पे लिखा है जितना पार्सल चाहिए ले जाओ। एक नॉर्मल दस्तरखान अगर हम खोलें ना और वहां सिर्फ टेबल कुर्सी रखें, तो जब टेबल खाली होगी तो अगला बंदा बैठेगा ना, तो शायद 100 रोटी लग जाएगी 1 घंटे में। बिल्कुल। लेकिन जब आप ये लिखते हैं ना कि जितना पार्सल चाहिए ले जाओ, तो 20 मिनट के अंदर 5,000 पैकेट निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जब आप वो मंजर देखेंगे कि गाड़ियां रुकती हैं, मेहरान, कल्टस, ऑल्टो, मोटरसाइकिल, साइकिल, लोग बस, चूंकि बस स्टॉपों में ना लोग बस को रुकवाते हैं 1 मिनट के लिए, भागते हुए आते हैं, यार 5 पैकेट देना, और भाग के बस में बैठ जाते हैं, तो यार ये पूरे दिन मेहनत करने तो निकले, जब कुछ बची नहीं रहा तो क्या करें। जैसे आपने बताया कि आपकी एक मोबाइल ऐप आने वाली है, जिससे तकरीबन आपने एक फिगर कोशिश कर रहे हैं 40-45,000 लोगों को इस रोजगार में। अच्छा, ये सारी NGOs को जो करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो डोनर्स देते हैं, जिसको वो सही काम में ही लगा रही हैं, ऑब्वियसली ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता कि वो सारा फंड कलेक्ट होने के बाद कोई NGOs अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस, जैसे आपने एप्लीकेशन बनाई, बाकी NGOs या 4-5 बड़ी NGOs। मैंने आपको समझिए, फिर मेरी बात गौर से समझिए, आप एक फलाही दाना है, ठीक है, आपके पास लोग दफन करने के पैसे लेने आते हैं, ठीक है, कि घर में मौत हो गई, दफनाने के पैसे नहीं, ठीक है, आपके पास लोग आ रहे हैं कि भाई बेटी पैदा हुई है, तालू कटा हुआ है, ऑपरेशन कराना है, पैसे दे दो, ठीक है, आपके पास लोग आ रहे हैं बेगम प्रेग्नेंट है, ऑपरेशन कराने का डॉक्टर ने बोल दिया, ठीक, वो कौन सा अस्पताल है जो नॉर्मल डिलीवरी कर रहा है, पहले तो उसका नाम बताएं। ये भी बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं जिसके ऊपर आवाज उठानी है। दुनिया के किस मुल्क में 90% डिलीवरी सीजर होती है भाई? हमारे यहाँ होती है, इसलिए होती है कि पूरा अस्पताल उसी पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक केस आया 16,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करो, फारिक करो, नहीं जी इनसे 1.5 लाख निकलवाने। ऐसे ही जी, हमने लेबर रूम में रखा 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, देख ले आपकी बीवी की जिंदगी का मसला है। लोग कांप जाते हैं, उनकी बीवी कांप रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, चले जी इनकी दिहाड़ी लग गई 1.5-2 लाख। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह कि यहाँ तो जो निजाम है वो बहुत अजीब है, और मैं अगर आपको इतने सारे फलाही कामों में बोलूं, इन तमाम कामों पर आपको कितना डोनेशन आ रहा है, आप बोले जी मैंने 1500 लोगों के मसाइल हल किए और उसमें मेरा पैसा लगा 26 लाख रुपए। मैं आपसे बोलूं 1500 लोगों के मसाइल आज से बंद कर दूं। जो तालू कटा हुआ बच्चा आ रहा है, बोला ऐसे रहो जिंदगी भर, तुम्हारी बेगम की प्रेगनेंसी है, बच्चा हो ना हो, बचे मरे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम यहां से ले जाओ। मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है 26 लाख रुपए का, उसमें 30 लोगों को नौकरी देनी है। लेकिन रोजगार का सिलसिला मवाके बिल्कुल डन 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 1000% सही है। एनजीओ क्यों होती है? एनजीओ इसलिए होती है कहीं पर भी कि अगर हुकूमत से या रियासत से किसी चीज में कोई कमी बेशी रह जाए, उसको एनजीओ पूरा कर दे जाके।
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, या इसलिए होती है कि जो भी मरेगा या जो भी सानिया होगा तो ईडी की ही 1600 एम्बुलेंसें 70 साल से आएंगी और वो आकर लेकर जाएंगी, तो एहसान है ईडी फाउंडेशन का, मानना चाहिए पूरी रियासत को, बिल्कुल ऐसा ही है कि यहां से लेकर चमन के बॉर्डर पर या फिर कंधार के बॉर्डर तक कोई भी वाकया सानिया होता है ईडी की एम्बुलेंस आती है, पैसा भी नहीं मांग रही आपसे, एयर सर्विस भी दे रही है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट की। हम ईडी को मशवरा देंगे कि भाई हमारा आज का टॉपिक है, आप अपनी 1600 एम्बुलेंसें बंद करें और 2 आईटी सेंटर खोल दें, तो फिर हम मैयतें किस चीज पे लेकर जाएंगे? सर कभी इस बात पे, हाँ पहले आप इस बात का जवाब दें मुझे, ईडी साहब के इदारे को रिक्वेस्ट करते हैं सर आप ये 1600 एम्बुलेंसें बंद कर दें आज से, इसके बदले आप 2 आईटी सेंटर खोल दें जहां पे लोगों को रोजगार देने, दे दिया उन्होंने 300 लोगों को रोजगार। सही। तो अब ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्डिंग गिर गई, लोग दबे हुए हैं, इनको मूव करना है, किसी को चमन से लेकर कोयटा आना है, किसी को कुचलाक से कोयटा लाना है, किसी को खुजदार से कोयटा लेकर जाना है, किसी को सखर से कराची लाना है, किसी को कराची से शिकारपुर जाना है, कौन सी सर्विस देगी? जैसे आप पैरेलल आपने खुद मुख्तारी का एक सेटअप स्टार्ट किया, आप मेरी बात समझिए पहले फिर हम इस पर बात करेंगे, ये जिम्मेदारी क्या इन फलाही इदारों की थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसी तरह क्या रोजगार देना जिम्मेदारी फलाही इदारों की है? बिल्कुल, किसकी है? गवर्नमेंट की। सवाल आप गवर्नमेंट से करें। तो कभी इस बात पे दुख होता है या गुस्सा आता है कि हुकूमत के हिस्से के काम आप लोगों को करना? मुझे बहुत दुख होता है। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो जब मेरी गाड़ी अंदर दाखिल हुई, एक शख्स पीछे दौड़ता हुआ आना शुरू हुआ, दरवाजे पे पहुंचे, उसने आगे बताया मैं नौशेरो फिरोज से आया हूं, मेरे पास इतना कर्जा चढ़ गया, मुझे उसका दौड़ के आना इतना बुरा लगा जिसको गिनतिया नहीं, तकलीफ हुई मुझे, मैं रियासत का बाप हूं, मैं वजीर आजम हूं, लेकिन उस बेचारी की उम्मीदें देखें, उसको बैठाया नीचे, खाना खिलाया, उससे बोला बताओ तुम्हारा क्या मसला हल कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं तुम्हारे 2 महीने घर का रेंट दे सकते हैं, ये लो भाई। अब मैं उससे बोलूं नहीं जी आपके पास आखिरी ऑप्शन खुदकुशी तक कर लीजिए, मैं तो जी वो सारा चंदा जकात खैरात रोजे का गुफारा ये वो सब कुछ जमा कर रहा हूं और मैं इससे कंपनी खोलूंगा, उसमें 60 लोगों को रोजगार दूंगा, जबकि इन पैसों से मैं 6000 फैमिली के मसाइल हल कर सकता हूं, मुसीबत ज्यादा लोगों के। तो भाई ये तो काम आप करें हुकूमत से बोले ना। जफर आपके पास ब्यूरोक्रेसी से भी लोग आते हैं, पॉलिटिक्स से भी लोग आते हैं, नबील कबूल साहब अभी कल परसों जो उनका दौरा था वो आए, डायलिसिस सेंटर को सपोर्ट कर रहे हैं, जब इन लोगों की तरफ से इतनी सपोर्ट है उसके बाद भी ये मसाइल भी हल नहीं हो रहे। कौन सी सपोर्ट की पोस्ट देखी आपने? डायलिसिस का सेंटर जो उसमें आप पोस्ट में पढ़ी है कि मैंने नबील कबूल साहब से कहा कि मेरा इदारा लियारी में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रहा है। ताबून से कायम किया गया डायलिसिस सेंटर जो था, कहां लिखा पड़ा आपने? फेसबुक की पोस्ट पर। नहीं, ये कहीं okay. पढ़ा आपने? ये पढ़ा होगा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार नबील कबूल साहब ने विजिट किया जेडीसी का, और जेडीसी जो है लियारी में सिंध गवर्नमेंट के ताउन से एक डायलिसिस सेंटर खोलेगी जिसमें सुई सदरन गैस मशीनें देगी। सिंध गवर्नमेंट क्या अपडेट करेगी? सिंध गवर्नमेंट वहां पर कोई डिस्पेंसरी में हमें 2 कमरे देगी, हम उधर सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम वहां पर बहुत अच्छा सा रूम बनाएंगे, टाइल्स मार्बल लगाएंगे और सुई सदरन गैस हमारा डोनर है मशीनें लगाएगा, और उसके महाना 18 लाख के खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। जब ये लोग आपके पास सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आते हैं उसके बाद भी आपके मसाइल या आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बदनीयत है, इनकैपेबल है, या सिस्टम इस तरह का है कि वो हेल्प नहीं करता? आप हैदराबाद में रहते हैं? जी हाँ। एशिया में कोविड में हमसे बड़ा राशन बांटा किसी ने? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साफ ही है ना? बिल्कुल नहीं। 30,000 बोरे राशन बिला तफरीक, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस क्रिश्चियन हिंदू महाजिर सिंधी पंजाबी सराइकी फलानी सियासी पार्टी फलानी सबको दिया ना रोजाना। हमने वेंटिलेटर्स का भी काफी काम किया है। किसी एक शख्स ने थैंक्स का लेटर नहीं दिया तो मैं क्या रो इस बात में? मेरा मसला था इस बर्डन को कंधे पे लेना, मुझे तो किसी ने थैंक्स का लेटर तक नहीं दिया। ये जो मैंने अस्पताल चलाया 1.5 साल फ्री में कोरोना के वेंट, जब एक एक रात का 1,70,000 रुपए लिया जा रहा था तो किसी ने थैंक्स का लेटर नहीं दिया मुझे। आपने फ्री में ओपन किया था वेंटिलेटर चलाया 2.5 साल। तो जब आप कहते हैं कि आपने माफियाज के खिलाफ बोला तो आपका इशारा सिंध गवर्नमेंट की तरफ होता है? मेरा इदारा उन इदारों की तरफ होता है जिन्होंने मुझ पर केसेस किए हैं, जिनके खिलाफ बोलने पर मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है और मैं अकेला भुगत रहा हूँ। ये जितने कारोबारी लोग हैं ये आपको अपने मुनाफे में से ही पैसे देते हैं, लाजमी से गालबन मुनाफे में से आपको या दूसरी एनजीओ को कारोबारी बंदा मुनाफे में से ही पैसा देता है, लेकिन आप ये देखें कि ये अपने ही इदारों के अंदर अपने ही एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ाने की बात आ जाए तो माथे पे आंखें रख लेते हैं, कोई छुट्टी मांग ले, बीवी प्रेगनेंट हो जाए, मैटरनल लीव लेनी पड़ जाए, उस पर आंखें माथे पे रख लेते हैं। मैंने एक मीडिया हाउस में काम किया, बेताशा लोगों की तनख्वाह खा के बंद हो गया, और आप उनकी सोशल मीडिया पे उनकी वो देखें तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं हंसी आती है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है? मेरी कोशिश होती है माशरे के ऐसे लोगों से जिन्होंने लोगों में जुल्म किया हुआ मैं ना मिलूं,
मैं बहुत कम लोगों के दरवाज़ों में जाता हूँ, आपने बहुत कम ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, क्योंकि मुझे बड़ी ज़िल्लत महसूस होती है आप किसी आदमी के पास जाएं, वो आपको घंटों अपने ऑफिस के बाहर बैठाए, फिर वो आपको इस तरह ट्रीट करे अपने स्टाफ के सामने के जैसे आपके फलाही इदारे का सारे खर्चात वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बाद वो 2,000 रुपये का एक चेक लिफाफे में रख के आपको दे दे, बोलेंगे नहीं आप बहुत अच्छा काम होता है, पूरा लोग ये समझेंगे शायद इसके अंदर 2 करोड़ रुपये का चेक दिया। ये सब वाक़ात इतने ज़्यादा हुए हैं, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जिसको मदद करनी होगी वो खुद करेगा, यही वजह है हमारे किसी दस्तरखान पे डब्बा चंदा कोई स्टिकर यतीम मिस्कीन की तस्वीर, डायलिसिस सेंटरों के बाहर कोई चंदा पेटी कुछ भी नहीं, यतीम खाने ओल्ड एज होम कहीं भी कोई इसके साथ, पूरी बिल्डिंग घूम लें कोई इमोशनली बात नहीं लिखी होगी। मुझे ज़ाती तौर पर आपके और रेदी साहब की जो बात ज़ाती तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने जिसका खुद भी जिक्र किया था, आप लोगों ने अपने पास आने वालों की महरूमियों को कैश नहीं करवाया, ना मॉर्निंग ट्रांसमिशन कभी हमने मैंने इतनी देर आपसे गुफ्तगू की, आपसे कोई ऐसी बात की कि आपके फोरम के थ्रू मुझे कोई चंदा दे दे, बिल्कुल नहीं। मैं टीवी चैनल्स पे भी अगर जाता हूं तो मैंने बहुत कम कर दिया जाना, तो वहां पर मैं अपने इदारे की ब्रीफिंग नहीं देता, मैं वहां पर लोगों के मसाइल बताता हूँ कि लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हो, लोगों के साथ ये बर्बरियत हो रही है, लोगों के ये हकूक मारे जा रहे हैं, फला फला इदारा सुपर काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो। मैं तो ये कुछ, मैं तो कोविड में डेली रोजाना उन बच्चों की वीडियोस बनाता था, औरंगी कोरंगी लांडी बल्दिया जाता था कि इसने 15 राशन बांटे, ऐ कोरंगी के लोगों जो बाहर पूरी दुनिया में हो इसको सपोर्ट करो, अपना नंबर बताओ बेटा, कौन करता है भाई, हमने तो किया। अभी आप रिसेंटली इस्लामाबाद भी गए थे, पिम्स के पास आपने एक खाने वगैरह का सेटअप किया था, आपने इस्लामाबाद भी देखा आपने और पंजाब भी घूमे, आपको क्या लगता है जो मसाइल आप कराची में देखते हैं पूरे पाकिस्तान को वैसे ही मसाइल हैं या सिंध में ज़्यादा मसाइल हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं सिंध में, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं जाता हूँ लाहौर में, मैं देखता हूँ वहाँ पर ऑरेंज ट्रेन है, मुझे खुशी होती है कि मेरा शहर 68% टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है 68%, मुझे खुशी होती है कि मेरे पाकिस्तान के शहरों में तरक्की हो रही है। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि जब मैं उसी शहर कराची में पहुंचता हूं, अगर ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चल रही है तो ऑरेंज प्लेन कराची में चलना चाहिए, जहाज़ उड़े औरंगी टाउन से कोरंगी में उतरे, जहाज़ चले कोरंगी में उतरे यहाँ पर सोराब बोर्ड पर, सोराब बोर्ड से उड़े मनोड़ा की जेटियों पर उतरे, लेकिन इस शहर में तो ना ऑरेंज प्लेन ना ऑरेंज ट्रेन ना ऑरेंज बस कुछ भी तो नहीं है। अभी एक बस का मंसूबा शुरू हुआ है, रोजाना सुनते हैं आज 10 मकामात पे पथराव कर दिया, किसने किया है, क्यों नहीं पकड़ रहे आप उसको, कौन इस शहर की तरक्की को बर्बाद कर रहा है, बढ़े ना काम आगे, आज कराची में बने फिर हैदराबाद में बने फिर सखर में बने फिर मीनपुर खास में बने फिर दादू में बने फिर लड़काना में बने, हमने तो ये टॉपिक ही नहीं सुना आज तक कभी। आप एक अरसे से इन बातों पर वीडियोस भी बना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लाजमी सी बात है खून जलता है बंदे का जब इतनी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हो, तो कोई टारगेट सेट किया हुआ है कब तक करेंगे, अगर थक गया बीच में किसी एक स्टेज आता है बंदा मायूस, हम टारगेट है, हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उस लाइन में थकना वकना कुछ नहीं होता, उस लाइन में आप टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों को मारा गया, हमने अपने हाथ से दफनाया भाई, और हमारे 5 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे गए 2012 में, हमारे एजुकेशन हेड्स मारे गए, लेकिन हमने एक लाइन नहीं छोड़ी, हमने कहा हम गरीब को गरीब बोलेंगे, तुम्हारा पैसे का अगर जबान है, तुम्हारा पैसा अगर अपना फिरका बता रहा है, तुम्हारा पैसा अगर अपना मजहब बता रहा है, अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमें अगर कोई शख्स आगे ज़कात देता है वो पैसा मुसलमानों पे खर्च कर देते हैं, गरीबों पे, वैसे जनरल डोनेशन जो आते हैं वो हम सब पे खर्च करते हैं। लेकिन अगर तुम हमें पावन करोगे कि जी मैं तो आपको इसलिए मदद नहीं करूंगा आपकी कोई भी, क्योंकि आप क्या तो अगर कोई भी मुसीबत ज्यादा आ जाए उसकी मदद कर देते हो, ये इतराज़ कोई करता है? अरे दुनिया करती है, बड़े बड़े डोनर जिस वजह पैसे नहीं देते कि आप लिख के लगाइए कि फला यहां दाखिल नहीं होगा फला यहां, अरे भाई जकात का पैसा मुसलमानों को दे रहे हैं गरीबों को, बाकी जो जनरल, मेरे पास एक बच्चा है बिलफर्ज, आप यहां बैठे हुए आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, ठीक है एक्स्ट्रा पैसे हैं किसी काम के नहीं, एक बच्चा आए दरवाजा खोल के आए बोले मैं मुस्लिम नहीं हूं, ठीक है मैं अहले किताब भी नहीं हूं, ठीक है मैं 4 दिन का भूखा हूं, एक रोटी दे दो, अब भूख बर्दाश्त से बाहर है, आपकी जेब में पैसे हैं और आप उसकी मदद इस बात पे नहीं कर रहे कि नहीं तुम चूंकि हमारे नहीं हो मदद नहीं कर रहा, और आप यहां से बाहर निकलो और वो बच्चा भूख की वजह से मरा पड़ा हो तो आप क्या हो गए? गैर इस्लामी गैर इंसानी किसी भी तरह से, वो किसकी वजह से मर गया? मेरी वजह से ऑब्वियसली, आप कातिल हुए उसके? ऑब्वियसली। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं स्टिकर लगाऊं अपने को, मेरे पास कोई आता है वो कहता है जी मैं मुसीबत में हूं, मेरे घर में मौत हो गई है, मुझे लाश दफन करनी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 40,000 रुपये की कबर खरीद सकूं, मैं उन्हें हुकूमत के पांव पकड़े जाके मुझे जमीन दे दो, 40 साल से शहर को जमीन नहीं थी कब्रिस्तान के लिए, उन्होंने जमीन दी, मैंने कई मिलियन रुपीस खर्च करके उसको प्लेन किया, बोरिंग कराई, अब वहां पर तदफीन शुरू होने वाली है, कराची में मरने वाले हर मुसलमान के लिए मुफ्त कबर। अभी तक आपने जितना काम किया
उसमें आपको अभी तक की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है, क्या चीज़ है? बहुत ये अचीवमेंट ही तो है कि हमारी वजह से एक बच्चा रात को रोटी खा के सो जाए घर में, इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट चाहिए? नहीं तो किसी के सामने से रोटी छीन ले और पूछा रात में नींद आ जाए, जो इनाम बोलेंगे दूंगा, आपके दस्तरखान पे खाना रखा हो मैं वो छीन लूँ आपसे, छीनूँ, आप सो के दिखा दिएगा रात में। आप इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन आपने एदी साहब का खिला बहुत अच्छे तरीके से, उनका खिला कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उनकी फैमिली फैसल एदी साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं, लेकिन हम जिस माशरे में हैं, इंतहा पसंदी खत्म होनी चाहिए। आप किसी भी शख्स को इसलिए नहीं मारो कि आपको उसकी जबान पसंद नहीं थी, आपको उसका मजहब पसंद नहीं था, आपको उसका मसलक पसंद नहीं था, क्या मालूम उसकी शादी अभी कब हुई, आज उसके घर में बेटी की विलादत। मैंने ऐसे दर्जनों केसेस देखे हैं कि बेटा शौहर मारा गया, मरने के तीसरे दिन घर में बेटी की विलादत हुई है, 1 साल की ब्याही दुल्हन थी। अरे क्यों मार दिया? 30,000 रुपये तनख्वाह में नौकरी भी था, सदर जा रहा था बाइक पे, आपने नाजवाद ने मार दिया। अच्छा क्या हुआ? उसका मसलक पसंद नहीं था। अरे वो औरत रो रही है, कोमे में चली गई, मेरा शौहर मार दिया, मां मर गई, बेटे की टेंशन में, बाप पागल हो गया, गुर्दे का मरीज हो गया, सैकड़ों लोग मरे इसी फिल्म में, शहर में। कहिए उसकी जबान पसंद नहीं थी, उसका कारोबार चला दो, ये कहां का रूल है यार? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम ये सब चीजें नहीं पूछते लोगों से। खत्म तो समझ नहीं आता कैसे होगी, लेकिन हर बंदा अपने हिस्से की शमा जला रहे जैसे आप जला रहे हैं। आखिरी सवाल, आपको आपकी लेगेसी क्या होगी, आपको किस तरह से, आप क्या, आपको क्या लगता है आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सलामत रखे। मैं अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की बहुत बड़ी, उन्होंने बताया जी हमारे पास पूरे पाकिस्तान से कोई 1500 बच्चे आए हैं, तमाम जामियात के काबिल तरीन। तो वहाँ जब मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया स्पीच के लिए, तो उनके जो डीन थे उन्होंने तारुफ में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी कि हम तो इनके फ़ैन हैं, इनसे सीखते हैं फलाना दिमाग। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, मैं स्टेज पर गया, बच्चों ने तालियाँ बहुत ज़्यादा बजा दी, कोई 5 मिनट बजा दी, और शर्मिंदगी हुई। मैंने अपनी बात का आगाज़ इस चीज़ से किया कि आप पाकिस्तान के सबसे काबिल बच्चे हो ना, मैं आपके कैलिपर का तो नहीं हूँ कम से कम, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूँगा। मैंने दरवाजे खोल दो, जो और बच्चे आ रहे हैं आने दो, सीढ़ियों पर भी बैठ जाए, मसला नहीं है, रश बहुत था। मैंने कहा आपके इस इंस्टीट्यूट के बाहर मियाँ बीवी बाइक पे जा रहे हैं, बच्चा आगे टंकी पे बैठा हुआ, एक बच्चा बीच में बैठा हुआ, ट्रक ने टक्कर मारी, बाप और बच्चा मर गया छोटा, बड़ा बेटा और माँ आए, उन्होंने माँ ने बोला बेटा दफनाने के पैसे ही नहीं है, मैयत गाँव लेके जानी है, कहाँ से करेंगे 60,000 रुपये, 2 मैयतें 2 एम्बुलेंसें 1,20,000 रुपये, कोई भी नहीं देगा, सब रिश्तेदार गाँव में आओ, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अंदर चलते हैं। और वो आपका दरवाजा नॉक करें, अंदर आए, बोले ऐ बच्चों मैं मुसीबत में हूँ, इतने में बड़ा बेटा भाग जाए शर्मा के, अम्मी मैं 9th क्लास में हूँ, ये आप इतनी अच्छी अच्छी ग्लैमरस ड्रेसिंग किए हुए लड़के लड़के हैं, इनसे आप मदद मांगेंगी? माँ बोले इधर आओ बड़े बेटे, इधर आओ, शर्माओ नहीं, बाप की मौत हो गई है तुम्हारे, आ जाओ मदद लेनी है। बच्चा बड़ा सर झुका के नीचे आया और माँ उन बच्चों से बोले मेरा शौहर मर गया, मेरी मदद करो और आपको रहम आ जाए, मदद करें, उनकी मदद करें, दोनों चले जाए, जरा बताओ उस औरत ने बेटे का नाम तुम्हें क्या बताया था अंदर आके? पूरी यूनिवर्सिटी में सन्नाटा हो गया, कहने लगे नाम बताया ही नहीं। मैंने कहा बताया था, मैंने कहा उसने औरत ने अपना नाम क्या बताया तुम्हें? कहना उस औरत ने भी नहीं बताया। मैंने कहा बस मैं यही चेक कर रहा था। बेशक आप बहुत काबिल होंगे, जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक हो, जिस जबान से आपका ताल्लुक हो, लिबरल हो, कोई भी हो तुम, जिस बच्चे का बाप मर जाए वो यतीम है, जिस औरत का शौहर मर जाए वो बेवा है, मुसीबत ज्यादा औरत अपने मिस्कीन यतीम बेटे को लेकर आई है तुम्हारे पास कि मेरे शौहर की मैयत दफनाने के पैसे दे दो, तुम्हें इससे ज्यादा क्या जानना है मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो? काफी नहीं है इतना नाम? किसी राइटर का बड़ा मशहूर कॉल है कि इंसानों से वो सवाल करो जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए, कि तुम भूखे तो नहीं हो, तुम्हारे पास कपड़े तो हैं, तुम कोई परेशान तो नहीं हो, खुदा वाले सवाल मत करो, तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम मानते किसको? मैं एक सवाल में बहुत परेशान होता था कि भूख बचपन में, कि भूख भूखे को खाना खिला दो, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे दो, नहीं समझ में आता था कपड़े वाली बात। जब मेरा वास्ता पड़ा सरकारी स्कूल से, तब मुझे समझ में आया कि जब मैं खुद गया सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास में, खिड़कियाँ नहीं होती थी और सर्दी में शदीद हवा अंदर आती थी, बच्चे खुद जाते थे टूटी हुई टेबल के तख्ते ला के लगाते थे, बांधते थे रस्सियों से, अगले दिन वो कोई खोल के ले जाता था नशे, उसको जला देता था, सरकारी स्कूल तो ऐसे ही होता है ना, खुला होता है। उस वक्त पता चलता था कि हमारे पास तो स्वेटर था कम से कम, जिनके पास स्वेटर नहीं थे उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, तो समझ में आया अच्छा कपड़े की ये अहमियत है। तो बात ही हम जिस माशरे में रहते हैं, मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, लोग कहते हैं बड़े बड़े चैनलों पे कि यार कराची के लोग आपकी बात क्यों सुनते हैं, पाकिस्तान के लोग भाई इसलिए सुनते हैं कि 80% आवाम ही मिडिल क्लास है,
मैंने अपने वाले साहब की मोटरसाइकिल पे वैसे ही बैठ के सफर किया जैसे कराची के एक आम आदमी अपनी बीवी और अपने चार बच्चों को बाइक पे बैठा के पूरा शहर घूमता है, वैसे हम भी घूमे हैं, तीन चार बहन भाई उसी बाइक के ऊपर, वालिद वालदा यहाँ से मलिर जा रहे हैं, मलिर से लांडी जा रहे हैं, किसी दिन रात में शादी में जा रहे हैं, कभी सालगिरह में जा रहे हैं, बाइक पंचर हो गई तो वाली साहब बाइक लेकर जा रहे हैं, हमारी वालदा और हम बहन भाई साइड पे खड़े हुए या साथ साथ पैदल जा रहे हैं, ये हमने ये जिंदगी गुजारी है ना। कनेक्ट कर सकते हैं वो इस बातों के साथ, नहीं करना कनेक्ट, यही सच है इस शहर का, सच यही है, नहीं है इस शहर का सच ये कि 8 करोड़ की गाड़ी में जो वजीर घूम रहा है वो हमारे दर्द समझेगा, नहीं समझ सकता, ऑब्वियसली नहीं समझ सकता, तो फिर उसको हमारे सर पे क्यों मुसल्लत किया जाता है। जो बंदा भूखा ही नहीं रहा उसे भूख का तो नहीं पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें क्या मालूम कि बगैर बिजली के एक बूढ़ी बीमार औरत जिसको बेड शोर हो गया उसकी पीठ में कीड़े पड़े हुए बगैर पंखे के कैसे लेटी हुई है, तुम जान ही नहीं सकते। पक्के घर वालों को तो बारिश, तुम तो अपनी अम्मा को बोलते हो अम्मी को बड़ा भाई के पास भेज दो अमेरिका, अब ये बूढ़ी हो गई है, अच्छे अस्पतालों में इलाज हो जाएगा इनका, यहाँ तो हम कतर अस्पताल ले जाने की हालत नहीं छोड़ी तुमने लोगों की, लोग जाते हैं तो मालूम होता है दवाई नहीं अस्पताल में, मुश्किल है, बहुत ज्यादती हो रही है हमारे लोगों के साथ। अल्लाह पाक बेहतर करो, आपको सलामत रखे, टाइम आपका हो गया है, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया।